हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं, देखेंगे हम आज के अपने इस रीडिंग में कि आपके जो पार्टनर हैं क्या आपको खोने से डरते हैं। ठीक है, रीडिंग का टॉपिक यही है। ध्यान रखिएगा कि ये जो रीडिंग है ये एक कलेक्टिव रीडिंग होगी और जनरल रीडिंग होगी, और रीडिंग का टॉपिक यही है कि क्या वो आपको खोने से डरते हैं। ठीक है, रीडिंग का टॉपिक यही है। पूरी तरीके से हम देखने की कोशिश करेंगे कि क्या वो आपको खोने से डरते हैं, या क्या कुछ उनकी एनर्जी है, क्या कुछ उनकी फीलिंग्स हैं आपको लेकर के। ठीक है, तो इस टॉपिक पे हम लोग रीडिंग करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या आपके पर्सन आपको खोने से डरते हैं, क्या कुछ है उनके एनर्जीज में, क्या कुछ उनकी फीलिंग्स में है, क्या कुछ उनके इमोशंस में है। ठीक है, तो देखते हैं, गाइड करें एंजल्स, जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं क्या उनके पर्सन उनको खोने से डरते हैं। ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, चलिए, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं क्या उनके पर्सन उनको खोने से डरते हैं। ओके, ठीक है, ओके, क्या वो उनको खोने से डरते हैं। बॉटम ऑफ द डेक, हर्मिट का कार्ड, ये कार्ड आया है आप लोगों के लिए, आपके पर्सन के लिए। मैं कार्ड निकालूंगी, जितने कार्ड्स जो है यहाँ पे हैं, यानी कि सिक्स कार्ड्स हैं, सेवन कार्ड्स हैं, सेवन कार्ड्स मैं आपके लिए भी निकालूंगी। ठीक है, फीलिंग्स देखेंगे हम, गाइड करें। ओके, टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, बॉटम ऑफ द डेक, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये आपकी एनर्जी में आया है। ठीक है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो क्या वो आपको खोने से डरते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये पर्सन आपको, आपसे झूठ बहुत बोलते हैं, जिनसे भी आप डील कर रहे हो ना, ये पर्सन आपसे झूठ बहुत बोलते हैं। कई बार आपको बोल चुके होंगे कि यस हम लोग मैरिज करेंगे, हम लोग मैरिज करेंगे, लेकिन कब करेंगे इन्होंने कभी आपको बताया नहीं होगा। इन्होंने आपको बोला होगा कि यार करेंगे ना हम शादी, करेंगे ना हमारा फ्यूचर होगा, बहुत हसीन हसीन सपने इन्होंने दिखाए होंगे आपको। ठीक, लेकिन जब रियलिटी में इनको कमिटमेंट देने की बारी आई होगी, तब ये पर्सन आपकी लाइफ से बाहर चले गए होंगे, यानी कि आपको जो है आपके साथ धोखा दे करके ये पर्सन कहीं दूर निकल गए होंगे। इनकी एनर्जी मुझे ऐसी दिखा रही है, ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं, एक होता ना कि आपको कहीं ना कहीं देखते हैं, लेकिन झूठ बहुत बोलते हैं ये पर्सन, मुझे दिख रहा है झूठ बहुत बोलते हैं ये। चलिए देखते हैं कि खोने से डरते हैं कि नहीं। फोर ऑफ कप्स, अफसोस का कार्ड तो पहले ही आ गया। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, द सन, हर्मिट, ओहो, टावर, ओके, यहाँ व्हील ऑफ फॉर्चून एंड लास्ट कार्ड किंग ऑफ वॉन्ड्स। साइन भी बता दूँ आपको, साइन बता देती हूँ कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, यहाँ पे एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है। देखिए यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, सारे एलिमेंट्स हैं, यानी कि आपके लिए कार्ड देखते हैं। स्ट्रेंथ, ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून दोनों में कॉमन आया है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट,
एंड मेरे पास किंग ऑफ वॉन्ड्स। क्या बात है, किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, दोनों की एनर्जी एक दूसरे को मिरर कर रही है, यानी कि आप दोनों ही एक दूसरे को टक्कर दे रहे हो, एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। ऐसा दिख रहा है जैसे कि आपके रिलेशनशिप में आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक होती है ना, बहुत ज़्यादा अंदर से फीलिंग्स होती हैं, बहुत ज़्यादा अंदर से इमोशंस होते हैं, बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी होती है कभी कभी। तो मुझे नज़र आ रहा है कि सबसे पहले बात करते हैं आपके पर्सन आपको खोने से डरते हैं या नहीं। ये पर्सन तो आपको खो चुके हैं पहले ही, ये पर्सन आपको खो चुके हैं पहले ही। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि ये पर्सन ने तो आपको ब्लॉक करके रखा है, इस पर्सन ने आपको पूरी तरीके से ब्लॉक करके रखा है, हर जगह से ब्लॉक कर दिया है, अचानक से, वो भी आपने तो सोचा भी नहीं कि ये पर्सन ऐसा क्यों कर रहा है, या ऐसा करने के पीछे इस पर्सन का जो है इंटेंशन क्या है। ठीक है, इस पर्सन का इंटेंशन क्या है आपने बिल्कुल भी नहीं समझा, बिल्कुल भी नहीं जाना कि ये आखिर क्यों कर रहा है। आपके पर्सन ने एकदम अचानक से आपके साथ एकदम ठप कर दिया रिलेशनशिप को, आपसे दूरी बना ली अचानक से, आपसे एकदम से अलग हो गए अचानक से, आपसे दूर होते चले गए, होते चले गए, होते चले गए। ठीक, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे कि आपके पर्सन जो है, आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपको चेस कर रहे थे, आपको देख रहे थे, आपको समझ रहे थे, ठीक है। लेकिन मुझे दिखता है कि अचानक से ही इनका माइंड घुमा और अचानक से ये पर्सन एकदम से आपको आपको साथ एकदम आपको निग्लेक्ट करने लगे, एकदम एकदम इग्नोरेंस वगैरह एनर्जी दिखाई दे रही है, जैसे कि आप दोनों ने ही एक दूसरे को इग्नोर कर दिया, क्योंकि दोनों के अंदर गुस्सा था, दोनों को किसी बात का लेकर के गुस्सा था, और वो बातें इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि जो है ना कहीं ये बातें आगे बढ़ गई और आप दोनों के रिलेशनशिप में यहाँ पे प्रॉब्लम्स आने लगी। आपके पर्सन ने आपको खो दिया है पहले ही, मैं बता दूँ आपको, इस पर्सन को पता है कि इन्होंने खो दिया है आपको, पूरी तरीके से खो दिया है। अब ये पर्सन कुछ भी करे, कुछ भी करे, ये पर्सन अब आपको पा नहीं सकते हैं। क्यों, क्यों? क्योंकि यहाँ दिख रहा है कि आपके पर्सन आपको लेकर के, अपनी फीलिंग्स को लेकर के, अपने इमोशंस को लेकर के एकदम से ये पर्सन अब हार चुके हैं। ठीक है, ये पर्सन अब तो हार चुके हैं, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि ये पर्सन को बहुत ज़्यादा जो आपने इग्नोर किया है इस पर्सन को, या इन्होंने जो आपको रिजेक्ट किया है, आपके साथ धोखेबाजी की है, तो कहीं ना कहीं इस पर्सन के ऊपर प्रभाव पड़ता हुआ दिख रहा है इस रिलेशनशिप का। मैं देख पा रही हूँ कि आपको रोता हुआ ये पर्सन छोड़ के चले गए हैं, आपको हमेशा आपको अकेलेपन में, आपको दर्द में छोड़ करके ये पर्सन चले जाते हैं, जिसकी वजह से आप ना अंदर से बहुत ही ज़्यादा अपने आप को कंट्रोल कर चुके हो, आपके ने अपने इमोशंस को बहुत कंट्रोल करके रखा है, आपके अंदर स्ट्रेंथ आई है, आपके अंदर पावर आई है, ये पर्सन के जाने के बाद जो है ना, आपने अपने आप को बहुत बखूबी संभाला है, बहुत बहुत ज़्यादा संभाला है। हाँ, ये दिख रहा है मुझे कि हालांकि आपको बहुत ज़्यादा याद आती है अपने पर्सन की, ठीक है, बहुत ज़्यादा याद आती है आपके पर्सन की, लेकिन आप क्या कर सकते हो, ठीक, आप क्या कर सकते हो, आपको भी लगता है कि मैं कितना करूँ, कितना बर्दाश्त करूँ। आपके पर्सन ने आपके साथ डिसलॉयल्टी दिखाई, लॉयल नहीं रहे ये पर्सन, ऑनेस्ट नहीं रहे ये पर्सन आपके साथ, आपको दुख देते रहे, अपने जीवन में ये आगे बढ़ते रहे। इनको मेन क्या था ना, कि आपके ऊपर इनको डाउट था, ठीक है, और वो डाउट जो है ना इनका धीरे 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 धीरे, देखो जो धोखा देता है ना उसके मन में हमेशा डाउट रहता है, जो धोखेबाज इंसान होता है ना वो किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करता है,
उसे लगता है कि ये मुझे चीट ही कर रहा है, ये मुझे चीट ही कर रहा है, क्योंकि वो खुद कर रहा होता है। और वो पर्सन जो है ना, यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन को जो है ना यहाँ पे है, वो डाउट था और उस डाउट की वजह से ये रिलेशनशिप खराब हुआ। इस पर्सन ने खो दिया है आपके विश्वास। आपने कितना भी यकीन दिलाया इस पर्सन को, मैसेज किया, अपनी तरफ से मैसेज किया आपने, आपने इस रिलेशनशिप को बनाने के लिए कड़ी मेहनत करी है, कड़ी मेहनत करी है। आपने इसको, इस पर्सन को कॉल किया, मैसेजेस किए, बार बार मिलने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पे कहाँ कुछ हो पाया, कहाँ कुछ हो पाया, आप खुद देखो ना, कुछ हो पाया नहीं हो पाया ना। आप इंतज़ार कर रहे हो, 2 साल से इंतज़ार कर रहे हैं कुछ लोग, कुछ लोग 2 साल से यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं कि आपके पर्सन आपके पास लौट करके आएंगे। आपके पर्सन खोने से डरते कहाँ हैं, इन्होंने तो खो दिया है, इनको पता है कि खो दिया है, और इनको अब अफसोस होता है कि मैंने खो दिया है। अब इनको अफसोस होता है कि खो दिया है मैंने उसे, अपनी गलती के कारण से, अपनी कहते ना बेवकूफ़ियों के कारण से। बेवकूफ़ है ये इंसान आपका, जो भी पर्सन है ना बेवकूफ़ है, क्योंकि आपके प्यार को नहीं समझा ये पर्सन, तो बेवकूफ़ ही है। कहते हैं ना कि ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनने वाले ही गड्ढे में गिरते हैं, तो वही है कि आपके पर्सन ओवर स्मार्ट बन रहे थे। बुरा लग रहा होगा अब आपको, लेकिन जो सच है वो मैं ही बता रही हूँ, ठीक है। आपके पर्सन पूरी तरीके से आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाए कभी। इन्होंने सोचा कि अरे चलो ये मेरी लाइफ में आई है, चलो कोई बात नहीं है, ठीक है। ये पर्सन ने ऐसा सोचा, इस पर्सन की फीलिंग्स ऐसी थी, ये पर्सन ने आपके ऊपर ध्यान ही नहीं देना चाहा, ध्यान ही नहीं दिया आपके ऊपर, जो कि मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन का ये प्रॉब्लम जो है ना कहीं बहुत ज़्यादा आप इमोशनल होते रहे इस पर्सन के साथ, इस पर्सन के साथ सामने बोलते रहे कि नहीं 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 नहीं। धीरे धीरे आपका भी मन फटने लगा इस पर्सन से। धीरे धीरे मैं देख पा रही हूँ कि आपके अंदर जैसे जैसे स्ट्रेंथ आई है ना, वैसे वैसे इस इंसान से आपने भी कहीं ना कहीं अपने भी मैसेजेस करना, कॉल करना बंद कर दिया। आपका मन हालांकि करता है कभी कभी कि आप उनको मैसेजेस करो, कॉल करो, बातें करो, लेकिन आपने बहुत करके देख लिया है, बहुत ज़्यादा करके देख लिया है, बहुत मेहनत करी है आपने, आपने बहुत मेहनत करी है इस रिलेशनशिप के लिए, इस रिलेशनशिप को बनाने के लिए, इस रिलेशनशिप को आगे ले जाने के लिए आपने बहुत मेहनत करी है। आपने इनका विश्वास जीतने की कोशिश करी, इनको विश्वास दिलाने की कोशिश करी। आप चाहते थे कि इस रिलेशनशिप में हाई लेवल का अंडरस्टैंडिंग हो, इसलिए आपने ये आपसे दूर चले गए, लेकिन आपने अभी तक इस पर्सन का ही इंतज़ार किया। आप चाहते हो कि ये पर्सन ही आपकी लाइफ में आए, तो ये आपकी लॉयल्टी है, लेकिन इनकी लॉयल्टी नज़र नहीं आ रही मुझे, ये पर्सन लॉयल नज़र नहीं आ रहे मुझे, ये पर्सन लॉयल नज़र नहीं आ रहे मुझे। और आपने भी पहचान लिया इस पर्सन को कि नहीं, ये बंदा या बंदी जो भी है जिसके साथ आप डील कर रहे हो, वो लॉयल है ही नहीं, वो तो लॉयल है ही नहीं। आपने हमेशा दुआ मांगी है कि ठीक है, वो उसने जो किया सो किया, उसका कर्मा उसे मिले। आपका यही रहा है कि आप उसे उसका कर्मा उसको मिले, उसकी जो भी गलत चीज़ें थी वो उसको मिले, बस मुझे जजमेंट मिले। भगवान से आपने प्रार्थना किया है, आपके जो भी गॉड हैं उनसे आपने प्रार्थना करी है कि आपको बस जजमेंट मिले। आपको जजमेंट मिलना चाहिए, क्योंकि आप डिज़र्व करते हो जजमेंट। आप शादी नहीं करना चाहते इस पर्सन से ना, अगर शादी करने के बारे में सोच भी रहे हो ना, तो शादी नहीं होगी। आप ये भी सोच लो, शादी नहीं होगी आपकी इस पर्सन के साथ। शादी करने का सपना मत देखना, क्योंकि ये पर्सन नहीं है किसी का, ठीक है। ये पर्सन आपको खोने से क्या डरेंगे, पहले ही सब कुछ खराब कर चुके हैं ये पर्सन, सब कुछ खराब कर चुके हैं। आपके दिल से पहले ये पर्सन बाहर निकल चुके हैं। आप जिद में कहते होगे कि ये पर्सन से मुझे बात करनी है या इस पर्सन के पास आना है। नहीं करो जिद, नहीं करो, बेकार की चीज़ों के लिए जिद नहीं किया जाता है, ठीक। मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन आपके साथ जो है ना, देखो बुरा लग रहा होगा आपको, लग रहा होगा कि नहीं मैं निगेटिव रीडिंग कर रही हूँ, बट जो कार्ड्स आए हैं उसके अकॉर्डिंग ही मैं कर रही हूँ, ठीक है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन आपके साथ नहीं आएंगे। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, मूव करो, अपने आप को हील करो। जैसे आपने स्ट्रेंथ रखा है अपने अंदर, और ज़्यादा स्ट्रेंथ लगाओ,
इतना कुछ अपने आप को बना लो कि सामने वाला बंदा अगर आपकी लाइफ में आए मुड़ करके दोबारा देखे आपकी तरफ, तो उसे अफसोस हो, अफसोस के अलावा उसे कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है, उसे अफसोस हो कि मैंने उसे खो दिया है, ठीक। तो आपने अपने आप को ऐसे बनाना है, अपने आप को ऐसे हील करना है कि वो आकर के रोए आपके सामने कि यार मैंने तो गलती कर दी, तुम मेरे साथ आ जाओ ना। इस तरीके से अपने आप को बना लो, सामने वाले बंदे ने आपको रुलाया है, आप इनको रुलाओगे, भगवान तो रुलाएंगे ही रुलाएंगे, लेकिन मैं यही कहूँगी कि आप अपने आप को ऐसे बनाओ कि सामने वाला बंदा आपको देख कर अफसोस करे, अफसोस कि मैंने उसे नहीं पहचाना, ठीक है। सो ये है आज की रीडिंग, आपकी रीडिंग, आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी। रेजोनेट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं अगली रीडिंग में, बाय बाय।